शराबी के मामले में बहुत दिनों से मामला चलता है। एक तबका है जो वजीब है कि वो आत्मकथे 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 इस कदर किताब चाबादी सारी चीज़ें, मगर एक बात आप समझ लीजिए, तरावी ये जमा है, तरबिया अरबी में ये वाहिद है, एक तरबिया चार रकत पे होता है, आठ रकत होगी उसको तरवी हतान कहते हैं, मैं अरबी ग्रामर से बोल रहा हूँ, उसको तरावी नहीं कहेंगे, तरवी हतान कहेंगे, और जब बारह रकत होगी तब वो जमा है, तब उसको हम तरावीह कहते हैं। तो हम लोग तरावीह पढ़ते हैं, बारह रकत से कम पठ लफ्ज़ तरावी का इतलाक हो ही नहीं सकता, कम से कम बारह रकत पढ़ेंगे तब वो तरावी की नमाज़ होगी, आठ रकत पढ़ेंगे वो तरबी हतान हो जाएगा। तो हम ना तरबिया पढ़ते हैं ना तरबी हतान पढ़ते हैं, हम तो तरावी पढ़ते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के यहाँ, कम से कम बारह रकत तब तरावी का इतलाक होगा। और सारी चीज़ें हैं, सारे दलाइल हैं, हदीस हैं, बहुत दिनों से लोग उलझते चले जा रहे हैं, कुछ ही बहस की ज़रूरत नहीं है, उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, उम्मत का तामुल तामुल 20 रकत पे है, वरना तरावी तो 38 रकत तक है, मगर हरमैन तैयबैन में 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी जाती है और इंशाअल्लाह क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी। इसलिए कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला ही नहीं है, बल्कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के ज़माने से ये जमात के साथ नमाज तरावी चली आ रही है। उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार कितना है अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه المصطفى ما بعد الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله بزرگان ملت و نوجوانان ملت معزز سامعین آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور شعبان کا مہینہ ہے، اس کا آخری عشرہ ہے، 26 شعبان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہوگا وہ رمضان شریف میں ہوگا، اگر 29 کے ہلال کی رؤیت ہو گئی تو 7 شنبہ یعنی منگل کو پہلا روزہ ہوگا، اور اگر 30 کی رؤیت ہوئی تو 4 شنبہ یعنی بدھ کو جو ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، شعبان، اس کے بعد رمضان۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کا استقبال کرنا، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بیان کرنا، یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
28 शाबान थी अल्लाह के महबूब मिंबर अक़दस पे रौनक अफरोज हुए और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया, ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन्नास सयुज़िल्लुकुम सयुज़िल्लु अलैकुम शहरुन मुबारक, ऐ लोगो इस महीने के बाद अनकरीब रमज़ानुल मुबारक का महीना तुम्हारे ऊपर साए फिगन होने वाला है। अव्वलु रहमा व औसतहु मगफिरा व आखिरहु इत्कुम मिनन निहरान, जिसका पहला दिन रहमत ही रहमत है और उसका दूसरा अशरा 10-20 तारीख के अय्याम मगफिरत ही मगफिरत है। व आखिरहु इत्कुम मिनन निहरान, और उसका आखिरी अशरा 10 दिन जहन्नम से आज़ादी का महीना है, जहन्नम से आज़ाद होने का ऐलान है, उसका सबब है। इत्कुम मिनन निहरान, जहन्नम से आज़ादी का पैगाम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को उन 10 अय्याम में जहन्नम से आज़ाद कर देता है और उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जो भी मुसलमान मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन उफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कोई भी मुसलमान रमज़ान का रोज़ा रखेगा ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। और फिर आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराएगा छुहारे से शरबत से कुछ नहीं तो पानी ही पिलाकर रोज़ा इफ्तार करा देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाएगा। फिर आपने इरशाद फरमाया उसकी एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की रातों से बेहतर है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमत नाजिल फरमाता है और जो भी उस रात में इबादत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 साल के बराबर इबादत करने का सवाब उसे अता फरमाएगा। फिर आपने इरशाद फरमाया ऐ लोगों रोज़ा अल्लाह के लिए है और रोज़ा अल्लाह से डरने के लिए है और जो मुसलमान रोज़ा रखता है और छूट गुनाह का काम नहीं छोड़ता है तो उसके लिए वईद भी है। इरशाद फरमाया मल्लम यदा ताअमहु व शराबहु, तो अल्लाह को उसको खाना पानी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदा ताअमहु व शराबा, कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह के लिए कि वो खाना और पानी छोड़ दे। कौन आदमी? वो शख्स जो मुसलमान रोज़ा रख कर भी गुनाह करता है, रोज़ा रख कर भी किसको फजूल करता है, तो अल्लाह को ऐसे रोज़ेदारों के रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं। तो रमज़ान अपनी जगह है, उसकी अहमियत फजीलत अपनी जगह है। और फिर ये कि रमज़ान महीने में रोज़ा रखने के लिए रोज़े के जो आदाब हैं और जो ज़रूरी बातें हैं उन पे अमल करना भी हमें ज़रूरी है। रोज़ा
हमारे ऊपर नहीं फर्ज किया गया, रोज़ा पिछली उम्मतों पर भी अल्लाह ने फर्ज फरमाया था। कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ, जबूर इसी महीने में नाजिल हुई, इंजील इसी महीने में नाजिल हुई, तौरात इसी महीने में नाजिल हुई, आसमानी किताबें इसी मुबारक महीने में नाजिल की गई। मगर इन तमाम किताबों में अफजलुल कुतुब हमारी किताब है, हमारा कुरान है, जिसकी अज़मत और फजीलत का आलम यह है कि मन करा हरफ मिन किताबिल्लाह वलव अशर हसनात लाकुल अलिफ लाम मीम हर बल अलिफ हरफुन वलामुन हरफुन वमीमुन हर और कमा पालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान वो अल्लाह की किताब है कि जो भी इसका एक हर्फ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियां लिख दिया करता है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम सिर्फ एक हर्फ, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। जिसने भी कोई भी मुसलमान हो, गुनाहगार हो, सियाकार हो, भले उसने कुरान नाजरा भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर वो अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद सिर्फ अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम पढ़ता रहेगा, तो एक मरतबा पढ़ेगा अलिफ लाम मीम तो अल्लाह के फरिश्ते उसके नामे आमाल में 30 नेकियां लिख दिया करते हैं। तो कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ, इसलिए उसकी ये अहमियत हुई, उसकी ये फजीलत। रोज़ा फर्ज है हर मुसलमान आकिल बालिग आकला बालगा मुकीम और मुकीमा पे। इस्लाम में जो 5 फराज हैं, पहले कलमा पढ़ना, फिर उसके बाद नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, बुनियाद इस्लाम वाला हम शहादत वल्ला इलाहा इल्लल्लाह वा मुहम्मद रसूलुल्लाह वा इक़ामिस सलात वा इताई ज़कात वा सौम रमज़ान वा हज्जिल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहली चीज़ यह है कि गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। व इक़ामिस्सला और नमाज कायम करना, व इताइज़्ज़का और ज़कात देना, व सौम रमज़ान रमज़ान के रोज़े रखना, व हज्जुल बैत और हज बैतुल्लाह करना अगर वहाँ तक जाने की इस्तेआत रखता हो। तो इस्लाम में सबसे पहला फर्ज तौहीद और रिसालत के इक़रार के बाद नमाज कायम करना है। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये फ़र्ज है। कोई मुसलमान अगर इसका इनकार करेगा तो वो इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन इनकार नहीं करता है, इकरार तो करता है मगर कसदन वो नहीं पढ़ता, कसदन ना वो रोज़ा रखता है, ना वो नमाज पढ़ता है, ना वो हज करता है, ना वो ज़कात देता है अगर वो साहिब निसाब है, तो वो फासिक और फाजिर है, यानी गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार है मगर काफिर नहीं है, अगर जानबूझकर इन फराइज़ पे वो अमल नहीं करता जबकि वो अमल करने की इस्तेआत रखता है। ऐसे ही नमाज के बाद रोज़ा है। रोज़ा जो मुसलमान नहीं रखता है, तंदुरुस्त है, मुकीम है, मर्द हो या औरत, आकिल और बालिग है, तो वो अगर इनकार कर देगा कि रोज़ा तो है ही नहीं है तो वो काफिर हो जाएगा। इनकार नहीं करता मगर नहीं रखता तो वो फासिक और फाजिर है, यानी सख्त गुनाहगार है। उसको अपने छूटे हुए रोज़ों की कदा रखनी चाहिए। और रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी नहीं है, दिखावा नहीं है, रोज़ादार जाने उसका अल्लाह जाने। कोई भी मुसलमान अपने घर में घर का दरवाज़ा बंद करके खा पी सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्या मालूम किसी को कि वो रोज़ा है कि नहीं, और बाहर आके कह दे कि मत साहब मैं तो रोज़ा हूँ। तो रोज़ा का ताल्लुक अल्लाह से, अल्लाह जाने उसका बंदा जाने कि वो रोज़े से है या नहीं। इसीलिए अल्लाह को ये इबादत इतनी पसंद है कि क़यामत के दिन हर अमल का
सवाब अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिया दिलवाएगा, मगर रोज़ा ऐसी इबादत है कि अल्लाह ताला फरमाता सौम लीवाना अजी भी रोज़ा मेरे लिए है और मैं रोज़े का सवाब खुद अपने दस से कुदरत से अदा फरमाऊंगा। ये इतनी बड़ी इबादत है। अब रोज़ा रखना है, रोज़ा रखने की नियत भी करनी है। बहुत से लोग हैं रोज़ा तो रखते हैं मगर नियत नहीं करते हैं, और अगर किसी ने नीयत नहीं की तो उसका रोज़ा ही नहीं होगा। एक महीना क्या और सालों साल ऐसे ही रहे फिर भी नहीं होगा। तो रोज़ा रखने से पहले रोज़े की नीयत करना है। रोज़े की नीयत, नीयत दिल के इरादे का नाम है। अगर ज़बान से आप कहें ना कहें, लेकिन अगर दिल में आपने इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह मैं कल रोज़ा रखूँगा तो ये नीयत हो गई। और अरबी में भी नियत की जाती है नवाए तो अन असूमा लिल्लाह ताला पदम इंशाअल्लाह ताला, मैंने नियत की कि मैं अल्लाह के लिए कल रोज़ा रखूँगा अगर अल्लाह ने चाहा। तो नियत ज़रूरी नहीं कि आप अरबी ही में करें, अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं या अल्लाह मैंने नियत की कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, बस नियत हो गई। तो नियत करना बहुत ज़रूरी है। अब नियत करने के बाद रोज़ा इफ्तार करने का वक्त आएगा, उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहिए रोज़ा इफ्तार कीजिए, अल्लाहुम्मा लका सुमतु वला रिज़्क़का अफ़्तर तो पढ़िए, बिस्मिल्लाह करके रोज़ा खोल लीजिए इफ्तार। और रोज़ा खोलने के बाद की भी दुआ है ज़हबत ज़मा वक्तल लकिल उरूप वसबतल अजर इंशाअल्लाह ताला। ये दुआएँ आप याद कर सकें तो याद कीजिए और पढ़िए, और नहीं तो अपनी ही ज़बान में कहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि रगें तेरो ताज़ा हो गई, प्यास बुझ गई, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम। देखिए अपनी ज़बान में जो दुआ की जाएगी, जो नियत की जाती है वो बहुत भरपूर होती है। अरबी में आप याद करेंगे और अरबी में एक लफ्ज़ भी दर्जर हो गया तो कुछ का कुछ तर्जुमा मतलब हो जाएगा। इसलिए अपनी ज़बान में कहिए, चाहे दिल में इरादा कीजिए और चाहे अपनी ज़बान से कहिए। अब रोज़ा में एक नमाज और है जिसको तरावी कहते हैं, तरावी भी हमें पढ़ना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में नमाज तरावी के लिए देखा कि लोग इधर उधर पढ़ रहे हैं, तो आपने खुद एक दिन नमाज पढ़ी, सहाबाए देखा पढ़ी, दूसरे दिन और ज़्यादा सहाबे कराम आ गए, तीसरे दिन आप हिजरे मुबारका से बाहर नहीं निकले, लोगों ने कहा क्या बात है सरकार तशरीफ़ नहीं ला रहे। फिर लोगों ने तना तना नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर वो जमात के साथ बंदे हो गई, ख़त्म हो गई तरावी। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह दो रोज़ों आप तशरीफ़ लाए, तीसरे दिन आप तशरीफ़ नहीं लाए। आपने इरशाद फरमाया मैंने देखा कि लोग इतनी कसरत के साथ लोग आ रहे हैं, और अगर मैं आता और लोग आते तो मुझे यह अंदेशा हुआ कि कहीं ये नमाज़ तुम्हारे ऊपर फर्द ना कर दी जाए। ये नमाज फर्द कर दी जाती तो क्या होता, ये तो मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, उनकी रहमतुल लिल आलमीन है कि नमाज तरावी फ़र्द नहीं हुई। अगर तीसरे दिन आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी पढ़ लेते तो वो फ़र्द हो जाती, और सुन्नत मुअक्कदा आज हम अमल नहीं कर पा रहे हैं, हम कितने बड़े गुनाहगार हो जाते। तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है, अल्लाह के महबूब ने नहीं पढ़ी। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया, उस हज़रत उमर फारूक का ज़माना आया, हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया, हज़रत मौला अली का ज़माना आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने की खिलाफत में भी ऐसे ही लोग आते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे, दो आदमी इधर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई मस्जिद के उस गोशे में नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा। हज़रत उमर फारूक का ज़माना आया, देखा लोग रमज़ान में उधर नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस गोशे में उस गोशे में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपने हज़रत उबैद इब्न काब को बुलाया कि ये तन्हा तन्हा क्यों नमाज़ पढ़ते हो, क्यों ना एक इमाम को मुकर्रर कर दिया जाए, वो नमाज़ पढ़ाए और सारे लोग उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। आपने उनको बुलाया, कहा नमाज़ पढ़ाओ, और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, तमाम सहाबा ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी।
ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत से बाकायदा 20 रकत नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है। और हजरत उमर फारूक ने फरमाया नेमत हाज़िहिल बिदअह, क्या ही ये अच्छी बिदत, ये बिदत हसना है। मतलब ये हुआ कि इस्लाम में अगर कोई खलीफा राशिद वो नेक अमल कर देते हैं तो वो बुरा नहीं माना जाता, वो बिदत सजिया नहीं है। इसीलिए ये सुन्नत मुअक्कदा है, 20 रकात नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अब 20 रकात नमाज तरावी कोई 8 वक्त पर मुसिर है, चारों अइमा इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक, चारों अइमा के यहाँ तरावी। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा के यहाँ 20 रकत, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ 38 रकत नमाज तरावी है, और इमाम के यहाँ कुछ है, मगर सबका इत्तेफाक ये हुआ कि ये 20 रकत नमाज तरावी सबों ने इत्तेफाक किया। और ये तामुल उम्मत है 1400 साल से लेकर अब तक ये नमाज तरावी 20 रकात हरमैन तैयबैन में भी पढ़ी जाती है। 10 रकत एक इमाम पढ़ाता है, दूसरा 10 रकत पढ़ाता है। मालूम हुआ कि 20 रकात नमाज तरावी पे इजमा है, तामुल उम्मत है, और यही सबसे वजनी दलील है। तरावी तरावी 8 रकत है। हजरत ज़ैद इब्ने साबित की एक रवायत आती है, उसी को हवाला दिया जाता है। ज़ैद इब्ने साबित हजरत ज़ैद इब्ने साबित से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, फिर रमज़ान आओ, फिर गैर रमज़ान, चाहे रमज़ान हो चाहे रमज़ान के अलावा महीना हो, ये 8 रकात वो तहज्जुद की नमाज थी, ये तरावी नहीं पढ़ी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो 8 रकात लोग पढ़ते हैं वो तरावी नहीं है, वो तहज्जुद की नमाज। फतहज्जुद भी नाफिलतन लक असाया बरसा रब्बुका मकाम महमूदा। अरे तुम हदीस से दलील लेते हो, वहाँ तो कुरान में पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है मेरे महबूब आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए, ये आपके लिए ख़ास है, नफल है, अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। सारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 वक्त की नमाज पढ़ाते थे, उसी में तहज्जुद भी। तहज्जुद गुजार लोग हैं, 4 रकत कम से कम, 8 रकत सरकार ने ज़्यादा पढ़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत, ये नमाज तहज्जुद है। फतहज्जुद भी नाफिलतल, और तहज्जुद की नमाज वो है जो ऐशा के बाद नहीं पढ़ी जाती। 8 रकत नमाज लोग पढ़ते हैं कहते हैं तरावी है, क्या ऐशा के बाद तहज्जुद है? तहज्जुद उस नमाज को कहते हैं ऐशा के बाद आप सो जाइए, जब आँख खुले निस्ब शब के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है, जब तक के फज्र की अजान का वक्त नहीं हो जाता। तो 8 रकत तरावी ऐशा बाद लोग पढ़ते हैं कहते हैं 8 रकत। हमेशा याद रखिएगा तहज्जुद सोने के बाद पढ़ी जाती है, ऐशा की नमाज पढ़ के आप सो जाइए, सोने के बाद जब आँख खुले वज़ू कीजिए और उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है तहज्जुद अल्लाह के महबूब ने पढ़िए, और मुसलमान भी पढ़ते हैं तहज्जुद, सरकार की पैरवी में पढ़ते हैं, कोई 4 रकत पढ़ता है, कोई 8 रकत पढ़ता है, चाहे ज़्यादा 12 रकत शुरू कर है नहीं। अब रमज़ान में जो है नमाज तरावी पढ़ी जाती है 20 रकात, अब नियत उसकी भी करना होगा, नियत इमाम है हाफिज़ कुरान है वो नियत करेगा या अल्लाह मैंने 20 रकात नमाज से तरावी सुन्नत मुअक्कदा की नियत की, मैं मुक्तदियों के वासे अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की सम और अल्लाह हुब्बे नियत बात, तो 20 रकत नमाज तरावी 2-2 रकत पर जो है नियत करना ये भी बेहतर है। हर 2 रकत पे खड़े होइए और 2-2 रकत की जो है आप नियत करते रहिए, और अगर हर 2 रकत पे नियत आपने नहीं की तो एक ही मतबा शुरू में 20 रकत नमाज तरावी की नियत कर लीजिए, तो हर 2 रकत पे आपको नियत नहीं करना होगा। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही नियत करते हैं कि या अल्लाह मैंने 20 रकात नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा की नियत की पिछली इस इमाम के वास्ते अल्लाह के मेरा काबा शरीफ की सम और अल्लाह।
हरवराई सुभान कल्लाहुम्म व बिहमदिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये तो पढ़ना है पहले ही, जो है हर मुक्तदी ये पढ़ेगा। उसके बाद हाफिज़े कुरान दो दो रकत करके 20 रकत नमाज पढ़ाएगा। जब 4 रकत हो जाएगी तो तरबिया करेगा, यानी थोड़ी देर बैठेगा, आराम करेगा, उसको अरबी में तरबिया कहते हैं। और दुआ जिसको जो आए पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, ये भी पढ़ सकते हैं। और अगर तरबिया जो किया जाता है उसकी दुआ याद है तो वो भी आप पढ़िए। सुभान रब्बिल मुल्क वल मलकूत जो आखिर में है, और उसके बाद और भी बहुत सी दुआएँ हैं। ज़्यादातर जो है तरबिया की दुआ जो है सुबहाना से शुरू होती है, यानी अल्लाह पाक, और ये दुआ लंबी है, और इसको याद कीजिए और इसको पढ़िए। और अगर किसी मुसलमान को नहीं आती है तो वो रब्बना आतिना पढ़ ले, क्योंकि इस्लाम में आसानी है। और उसके बाद जो इमाम होगा, इमाम भी बादशरा होना चाहिए। बादशरा का मतलब ये कम से कम एक मुश्त उसकी दाढ़ी हो। ये आम मसला है, वो कहा फरमाते हैं कि जो फर्द नमाज है, चाहे सुन्नत मुअक्कदा तरावी की नमाज है, कोई भी इमाम पढ़ाएगा तो उसकी दाढ़ी जो है कम से कम एक मुश्त होनी चाहिए। अगर निकल रही है, और जिसे निकलती ही नहीं वो कहाँ से लाएगा एक मुश्त दाढ़ी, नहीं निकलती छोटी है। लेकिन जो कतरवाते हैं, निकलती तो है मगर दाढ़ी मुंडे हैं, मुश्त कतरवाते हैं, तो ऐसा इमाम अगर है, चाहे वो पंज वक्ता का हो, फर्द नमाज का हो या सुन्नत मुअक्कदा का हो, तो फुकहा फरमाते हैं कि वो इमाम फासिक मौलिन है। फासिक मौलिन है यानी खुला हुआ फासिक फाजिर है। उसके पीछे जो भी मुसलमान नमाज पढ़ेगा, नमाज दोहराना होगा। और हमारे यहाँ तो एक आम मिजाज बन चुका है, जैसे नमाजी हैं वैसे ही इमाम होता है। पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी भी दाढ़ी मुंडे, इमाम आ गया वो भी दाढ़ी मुंडा है, कभी शर्ट पहन के आ गया, कभी कुछ पहन के आ जाता है, पढ़ा देता है, काम ख़त्म हो जाता है। मगर ये जान लीजिएगा कि आप शरीयत को अपने ताबे नहीं कर सकते, अमल करें ना करें, मगर हम शरीयत के साँचे में हमको ढलना है। हमारे साँचे में शरीयत नहीं ढलेगी, जो मसला है वो रहेगा। ये नहीं कि मसले में तब्दीली पैदा कर दी जाएगी, मसला वही है। जो इमाम फासिक मौलिन है उसके पीछे फर्द नमाज या सुन्नत मुअक्कदा नमाज जमात के साथ पढ़ना वाजिबुल इअदा है, दोहराई जाएगी नमाज। नमाज पढ़ते नहीं आपकी होगी ही नहीं। इसलिए जो इमाम है उसकी जिम्मेदारी, मुक्तदियों की जिम्मेदारी नहीं है। वो बेचारे क्या करेंगे, तुम आगे छलक कर आए हो मुसल्ला पर, तो देखो अपने अंदर, अपना मुहासबा करो, अपने गरीबान में झांक कर देखो कि तुमने दाढ़ी कटवाई तो नहीं है। और अगर दाढ़ी कटवा के नमाज पढ़ा दी, शोहरत तो हो गई, इमाम साहब हो गए, मगर जितना गुना मुक्तदियों का है सबका गुना आपको उठाना होगा, तो कितने बड़े आप गुनाहगार हो जाएंगे, कितने बड़े आप दरिया दिल हैं कि सबके गुनाहों का आप ठीका उठा रहे हैं। इसलिए इमामत बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लोग नहीं करते इमामत इसीलिए कि सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इतना अहम काम है, इतनी जिम्मेदारी, अल्लाह से डरना चाहिए हमें। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई है ही नहीं, सब दाढ़ी मुंडे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जमात नहीं हो। जो लोग मौजूद हैं जिसको आगे बढ़ा दें, उसके पीछे आप पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और अगर कोई दाढ़ी मुंडा है, जमात का सवाब लेना है, तो इसके पीछे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, बाद में अपनी नमाज दोहरा लीजिए, आपकी नमाज भी हो जाएगी और जमात का सवाब भी आपको मिल जाएगा। शरीयत ने आपको हर तरीका बताया, बहुत आसान है। शर्त यह है कि हमें खलूस दिल के साथ उसमें हमें अमल करना चाहिए, और अपने गरीबान में देखना चाहिए कि आज हम जो नमाज पढ़ना जितना ज़रूरी है, नमाज की हिफाजत करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज पढ़ दे
ये नहीं कि जो आए उसके पीछे आप नमाज पढ़ लीजिए, हमसे क्या मतलब, इमाम साहब जाने इमाम जाने हमसे क्या मतलब है, मतलब आपसे इसलिए मतलब है कि आपने उसको मना नहीं किया, रोका नहीं, उसके पीछे आपने नमाज पढ़ी, उसकी इज्जत की, उसकी हिम्मत अफजाई की, ये भी सत्य गुना है। इसलिए शरीयत शरीयत है, 1400 साल से पहले जो शरीयत है आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये शरीयत बाकी रहेगी। कोई नहीं है जो शरीयत को अपने ताबे जो है कर सके, नहीं हम जो कहेंगे वो होगा, ये नहीं होगा। इसीलिए जब लोगों ने ये कहा कि इस्लाम के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो अक्ल में नहीं समाते, अक्ल तस्लीम नहीं करती, तो कहने वाले लोगों ने कहा, मौला अली ने फरमाया, अगर शरीयत अक्ल का नाम होती तो जो हम पैरों पर मोजों पर मसा करते हैं वो तलुए के नीचे से हम मसा करते, इसलिए कि ज़मीन पर तलुआ लगता है, ऊपर का हिस्सा नहीं लगता। लेकिन शरीयत अक्ल का नाम नहीं, शरीयत अल्लाह उसके रसूल के अमल का नाम है। मेरे आका ने फरमा दिया कि मुँहों पर मसा ऊपर से किया जाएगा, तो यही मसला है, यही शरीयत है, यही शरीयत है मुस्तफ़ा और क़यामत तक यही रहे। शरीयत को अक्ल से मत नापो, शरीयत जो कह रही है उस पर अमल करने की कोशिश करो, तामील और झूठी तामीलात मत बयान करो अपनी सफाई के लिए, अपने को बचने के लिए, बच नहीं पाओगे, यहाँ नहीं बच पाओगे तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मुआवजा फरमाएगा। इसलिए है बुज़ुर्गों और मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह उसके रसूल का दीन गालिब है, अल्लाह उसके रसूल की शरीयत हमारे सरों पे है, इसलिए हम शरीयत इस्लाम को अपने सर का ताज बनाएंगे, हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह नहीं देंगे, आखिरत की ज़िंदगी को हम तरजीह देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसलिए हर मुसलमान मर्द औरत जितने भी हैं सबको शरीयत के मुताबिक अमल करना है, और 20 रकात नमाज तरावी आपको पढ़नी है पढ़िए। अब तो ये हो गया है कि कुछ लोग खड़े रहते हैं, कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ चाय पान करने चले जाते हैं, यानी एक तरह का तरावी का मजाक उड़ा दिया गया है। अल्लाह से डरो, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, मगर इतना ही मत बैठो कि एकदम से बैठे रहो, भाग जाओ अंदर बाहर करो, 3 रकात पढ़िए, 4 रकात 5 रकात पढ़िए, मगर अल्लाह के लिए पढ़िए, ताकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो अमल है, जो तरीका है, उस पर आप अमल कीजिए। तरावी के मामले में बहुत दिनों से मामला चलता है, एक तबका है जो वजीब है कि वो 8 रकातें 8 रकातें 8 रकातें इस कदर किताब चाबादी सारी चीज़ें, मगर एक बात आप समझ लीजिए, तरावी ये जमा है, तरबिया अरबी में ये वाहिद है, एक तरबिया 4 रकत पे होता है, 8 रकत होगी उसको तरबी हतान कहते हैं, मैं अरबी ग्रामर से बोल रहा हूँ, उसको तरावी नहीं कहेंगे, तरबी हतान कहेंगे, और जब 12 रकत होगी तब वो जमा है, तब उसको हम तरावी कहते हैं। तो हम लोग तरावी पढ़ते हैं, 12 रकत से कम पर लफ्ज़ तरावी का इतलाफ हो ही नहीं सकता, कम से कम 12 रकत पढ़ेंगे तब वो तरावी की नमाज होगी, 8 रकत पढ़ेंगे वो तरबी हतान हो जाएगा। तो हम ना तरबिया पढ़ते हैं ना तरबी हतान पढ़ते हैं, हम तो तरावी पढ़ते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के यहाँ, कम से कम 12 रकत तब तरावी का इतलाफ होगा। और सारी चीज़ें हैं, सारे दलाइल हैं, हदीस हैं, बहुत दिनों से लोग उलझते चले जा रहे हैं, कुछ ही बहस की ज़रूरत नहीं है, उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, उम्मत का तामुल 20 रकत पे है, वरना तरावी तो 38 रकत तक है, मगर हरमैन तैयबैन में 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी जाती है और इंशाअल्लाह क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी। इसलिए कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला ही नहीं है, बल्कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से ये जमात के साथ नमाज तरावी चली आ रही है। इसलिए जो खुलफाए राशिदीन को नहीं मानते वो तरावी पढ़ते ही नहीं,
एक तबका और है वो भी नहीं मानता खुलफाए राशिदीन को, उनके यहाँ भी तरावी नहीं है, वो तो तरावी ही नहीं पढ़ते कि ये तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के ज़माने से, उमर फारूक के ज़माने से। अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला हम महल सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी सही उल अकीदा है, हमारा मसलक बरहक है, हमारे महल सुन्नत बरहक हैं और हम इसी पे कायम हैं और अल्लाह ताला हमें इसी पे कायम रखे। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया है, बहुत बड़ी हदीस मैं सुना रहा हूँ, उसको याद करिएगा, इत्तबउस सवादल आज़म। मेरे आका ने फरमाया जो बड़ी जमात है उसकी पैरवी करना, ला तजतन उम्मती अला, मेरी सारी उम्मत गुमराही पे इकट्ठा नहीं होगी। सारी दुनिया में 65% 65% लोग इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक को मानने वाले हैं, उनके मुकल्लिद हैं। तो आज सरकार के आलम ने फरमाया है बड़ी जमात की पैरवी करो, और जो बड़ी जमात की पैरवी नहीं करते मन शद्दा शिद्दा फिन्नार, और जो जमात से कट के रहेगा तो वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम सवाद आज़म की पैरवी करें, इत्तबा करें, जो इमाम आज़म अबू हनीफा के हम मुकल्लिद हैं, मानने वाले हैं। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने 140,000 मसाइल का कुरान और हदीस से इस्तेमाल फरमाया है। 40-40 उनके शागिर्द एक मसले के लिए गौर खोज करते थे, तब कहीं जाकर वो मसला तैयार हुआ। और उसके बावजूद भी आपका ऐलान आम है, जो हमारे किसी भी मसले को कुरान और हदीस के खिलाफ करार दे तो मैं भी उसे छोड़ दूंगा। आपने दावा किया, चैलेंज किया, अल फजलुल मोहबी इज़ा साहल हदीस व फवा मजहबी। इमाम साहब साफ तौर पर ऐलान फरमाते हैं ये अल्लाह की तरफ से मुझे अल्लाह ने अता फरमाया, और अगर कोई हदीस मेरे मसले के खिलाफ सही हो तो मैं अपने मसले से हट जाता हूँ, हदीस पे मैं अमल करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो हम सब अहले सुन्नत वल जमात हैं, सुन्नी हैं, सही अकीदा हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमतु व रिज़वान के मुकल्लिद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम मजबूती के साथ इस पर कायम रहें, और अल्लाह ईमान के साथ हम सबका खात्मा फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।